जय सेवालाल, नमस्कार। मैं माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, आज बेला मंडल के छपराला गांव में सेवालाल महाराज का आज पगड़ी का कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बंजारा समुदाय के और अन्य समुदाय के लोग यहां पर सेवालाल महाराज की मोहब्बत में और उनकी याद में यहाँ पर आकर बैठे हैं। और इसी के साथ में जिले के ग्रंथालय चेयरमैन राउत मनोहर भी मौजूद है और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया है। दर्शकों, सेवालाल महाराज जनता से क्या चाहते थे, समाज से क्या चाहते थे? सेवालाल महाराज का कहना यही था कि नशा मुक्ति हो और मेरी जो जनता है, मेरे जो समाज है, वो वाद विवाद से दूर रहे। इसी संदर्भ में 9 दिन के लिए ये जो उपवास रखते हैं और सेवालाल महाराज की लगातार इन 9 दिनों में पूजा करते हैं और पूजा के बाद आज का जो दिन है, जिस तरह से काला मनाते हैं, उसी संदर्भ में आज ये पगड़ी का कार्यक्रम बड़े जोर और शोर से चलता है। सेवालाल महाराज का कहना यही है कि जो जनता है, जो मेरे चाहने वाले हैं, उन लोगों को सुख शांति हो। अभी सेवालाल महाराज की जो पगड़ी का कार्यक्रम है, ये रखने का संदर्भ यही है कि गांव में सुख शांति हो, पीक पानी अच्छी हो और रोग राई से समाज और गांव दूर रहे, यही कार्यक्रम है। और यही कार्यक्रम में आज पूरा गांव, लगभग पूरा गांव आज उमड़ पड़ा है। महाराज सेवालाल महाराज का यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है और महाराज के अनगिनत काम है। जो सेवालाल महाराज जब जीवित थे, उन्होंने कई सारे 10,000 से ज्यादा तांडों में अपने हाथ पर बैत किया है और उनके जीवित काल में भी कई सामाजिक कार्य किए हैं। देखिए, सेवालाल महाराज की वेशभूषा कुछ अलग थी। उनको मूंछ थी, दाढ़ी थी और सर पर एक पगड़ी रहती थी जिससे रुबाबदार दिखाई देते थे। देखिए, सेवालाल महाराज एक धार्मिक गुरु है और एक आध्यात्मिक संत भी माने जाते हैं। दर्शकों, आज छपराला गांव में इसके पहले भी कई अनगिनत कार्यक्रम हुए महाराज के लिए और आज भी कई सारे उत्साह के साथ यहां पर आज डीजे बैंड बाजे के साथ पगड़ी का कार्यक्रम रखा गया है और सभी दर्शकों को आज सेवालाल महाराज की पगड़ी के हम भी हार्दिक मायमाउली समाचार भी हार्दिक मुबारकबाद देती है। और बंजारा समुदाय को एकजुट करने में जो सेवालाल महाराज ने अपनी जीवित काल में जो मेहनत की है, उसको भी हम सराहना लेते हैं। अभी महाराज सेवालाल महाराज का कहना यही था कि मेरी जो समाज है, मेरे जो समाज के लोग है, वो एक जगह आ जाए और नशा मुक्ति और लालच खो ये सब जिंदगी से दूर हो जाए। धन्यवाद, पर आप बने रहिएगा मायमाउली हिंदी समाचार के। Oh.
दोन करोडचं सेवालाल भवन भी आदिलाबाद मध्ये परवाच मंजूर केले म्हणून ह्या संदर्भात तुम्हाला एवढंच नाही सेवालाल जयंती हे ऑफिशियली प्रोग्राम नव्हता मुख्यमंत्री केसीआर जी आल्यानंतर ऑफिशियली सेवालाल जयंती भी मनवण्यात येत आहे हे तुम्हाला सगळ्याला माहित आहे म्हणजे एक जे